वेलकम टू वेबलाइन। पॉल कहता है कि क्या मैं आज फिर से लेट हो गया। शीबा उसे देखकर जल्दी से उसके पास आ जाती है एंड उससे चिपक जाती है। फिर वो कहती है कि चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें एक न्यू डेजर्ट को टेस्ट कराती हूँ। पॉल कहता है कि मैं लेट हो गया, मैं दूसरी बार आ जाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम मेरे दूसरे कस्टमर जैसे नहीं हो, तुम स्पेशल हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर कॉन्सर्ट लियाना के कहने पर पार्टी के लिए डेजर्ट्स का ऑर्डर देने के लिए आया हूँ। शीबा कहती है कि ये तो अच्छी बात है। वो ऑर्डर लिखकर उसे कहती है कि क्यों ना हम आज रात साथ में डिनर करें। तो पॉल कहता है कि नहीं, घर में मेरी ग्रैंड माँ ने मेरे लिए टर्की बनाया है तो मुझे उसके साथ खाना है। शीबा सोचती है कि ये हर बार ग्रैंडमा और उसके खाने का बहाना मारकर मुझसे भाग जाता है। फिर वो कहती है कि मैंने सुना है कि पार्टी में सभी लोग डांस करने वाले हैं, पर देखो ना, मुझे तो अभी तक अपना डांस पार्टनर मिला ही नहीं है। क्या तुम्हें मिला? तो वो कहता है कि नहीं। शीबा कहती है कि कितनी बुरी बात है कि मुझे अभी तक डांस पार्टनर नहीं मिला, पता नहीं मैं न्यू ईयर पार्टी में कैसे जाऊंगी। पॉल कहता है कि तुम्हारे पास डांस पार्टनर नहीं है तो क्या हुआ, तुम ऐसे भी पार्टी को अटेंड कर सकती हो। वो कहती है कि क्या? पॉल कहता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम्हें अपने पार्टनर के साथ ही पार्टी में आना है, तुम अकेले भी तो आ सकती हो। ये सुनकर शीबा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें साफ साफ क्लू दे रही हूँ पर तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मैं तुम्हारे साथ एक डिनर करना चाहती हूँ पर उसमें भी तुम ग्रैंडमा का बहाना मार देते हो। एंड आज मैं तुम्हारे साथ न्यू ईयर पार्टी में डांस पार्टनर बनने को कह रही हूँ, उसमें भी तुम मना कर रहे हो। पॉल कहता है कि तुम ये कर क्या रही हो। शीबा कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, बस न्यू ईयर पार्टी में तुम मेरे साथ डांस पार्टनर बन के आने वाले हो। पॉल कहता है कि ठीक है। वो जा रहा था, जाते टाइम वो कहता है कि शीबा तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी हो। शीबा उसके जाने के बाद कहती है कि गधा कहीं का, इतना भी नहीं समझ पाता। फिर कुछ दिनों के बाद न्यू ईयर पार्टी का दिन आ जाता है। आज लियाना और किंग दोनों साथ में आते हैं। उसे देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि आज देखो पहली बार किंग लियाना के साथ आए हैं। सभी लोग उन दोनों को देखकर खुश हो रहे थे। लियाना सोच रही थी कि नॉवल के अकॉर्डिंग आज मेरी जगह पर मियाँ को होना चाहिए था और मियाँ की जगह पर मुझे, पर सब कुछ बदल गया है। किंग कहता है कि लियाना तुम ठीक तो हो ना, तुम मुझे अनकंफर्टेबल लग रही हो। वो कहती है कि किंग ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ी नर्वस हूँ। फिर वो सोचती है कि मैं अनकंफर्टेबल ही फील कर रही हूँ, तुम मुझे इस तरह से देख रहे हो, इस तरह से तुमने मुझे सबके सामने लाया तो मैं पक्का अनकंफर्टेबल फील तो करूँगी ही ना। अब तो मुझे डर लगने लगा है क्योंकि आज मुझे इस जगह पर नहीं होना चाहिए था, क्या पता मेरे जेल जाने का दिन जल्दी ही आ जाए। किंग लियाना से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इस साल ही नहीं हर साल न्यू ईयर पार्टी को एंजॉय करना चाहता हूँ। यह सुनकर लियाना थोड़ी ब्लश करने लगती है। वो सोचती है कि किंग की आंखें कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं अपनी नज़रें उस पर से हटा ही नहीं पा रही हूँ। तभी ही वो देखती है कि लोग उसे देखकर बातें कर रहे हैं। वो सोचती है कि लोग मुझे इस तरह से ताड़ क्यों रहे हैं। तभी ही उसका ध्यान किंग की तरफ जाता है। वो सोचती है कि अच्छा तो मैंने और किंग दोनों ने ही सेम कपड़े पहने हैं, इसलिए लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। मियाँ किंग के पास आकर कहती है कि थैंक यू मुझे यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए, पर आप क्या मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? किंग चौंक जाता है। लियाना सोचती है कि तो मेन कैरेक्टर्स के मिलने का टाइम आ ही गया, अब मुझे पीछे हट जाना चाहिए। इन दोनों को करीब होते हुए देखकर मुझे तो खुशी होनी चाहिए, मेरा गोल पूरा होने के लिए जा रहा है, पर आज मैं इतनी ज़्यादा दुखी क्यों हूँ। सो गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।